हाँ तो और सुनो भाई लोगों, क्या हाल है? उफ भी के हो फुले हो फभी बहुत बहुत बढ़िया और मस्त होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहे ना। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई आप लोग यहाँ पर अपने नेम के साथ में पीसी का लोगो कैसे लगा सकते हो। ठीक है, लाइक अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे नेम के ऊपर पीसी का लोगो बना हुआ है। ठीक है, अरे बाबा अभी आप लोग इसको देख सकते हो। आप लोग इसको अपने फोन में कैसे लगा सकते हो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग समझ सकते हो ये वीडियो ऑफ अभी फ्री फायर प्लेयर्स के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कितना ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वेल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तब आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी के साथ में अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार। चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से फ्री में होता है, तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज गाइस आपका भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता है। तो देखो भाई, यहाँ पर अपने नेम के साथ में पीसी का लोगो लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, और ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है निक फाइंडर। ठीक है, अभी आप लोग इसको देख सकते हो, आपको सिंपली इस तरह से इसको लिख करके इसको सर्च कर देना है, और जब आप लोग इसको सर्च कर दोगे तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट आती है यहाँ पर लिखा हुआ nickfinder.com, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जब आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आने वाला है। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही दिखाई दे रहा होगा नेम और निक नेम टू सर्च फॉर। ठीक है, अभी आप लोग इसको देख सकते हो, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और जब आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे तब आपको यहाँ पे लिखना है पीसी। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हो, आपको सिंपली यहाँ पर पीसी लिख करके इसको यहाँ पे फाइंड के बटन में क्लिक कर देना है। तो जब आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके चले आना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पीसी का लोगो बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अभी आप लोग इसको देख सकते हो, यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर वाला है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग इसको देख सकते हो, आपको सिंपली इसी को कॉपी करना है, और आपको यहाँ पर और जितने भी बहुत सारे पीसी के लोगो बने हुए हैं तो आपको इन सबको कॉपी नहीं करना है। ठीक है, आपको सिंपली इसी को ही सिर्फ कॉपी करना है, और जब आप लोग इसको कॉपी कर लोगे तो आपको करना क्या कि अब आपको अगेन से अपने फ्री फायर गेम को ओपन कर लेना है, एंड गेम को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ से अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। और प्रोफाइल को ओपन करने के बाद जहाँ से नेम को चेंज करते हैं ना, आपको पता ही होगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, एंड इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेम लिखा हुआ है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो नेम रहेगा अब आपको सिंपली उसके ऊपर ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली इसको यहाँ से पेस्ट कर देना है। और जब आप लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो यहाँ पर आपके नेम के साथ में पीसी का लोगो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई अगर इस पीसी के लोगो को आपको अपने नेम के आगे लगाना है तो आपको यहाँ पर अपने नेम के आगे क्लिक करना है, एंड इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखना है। इसके बाद यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जब आप लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो यहाँ पे जो पीसी का लोगो रहेगा वो आपके नेम के आगे बन जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे नेम के आगे बन चुका है, तो आप लोग इसको यहाँ से अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो इस पीसी के लोगो को। इसके बाद आपको इसको यहाँ से ओके कर देना है, एंड ओके करने के बाद अगर आपके पास नेम चेंज कार्ड है तो यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, एंड अगर आपके पास नेम चेंज कार्ड नहीं है तब आपको यहाँ पर से 390 डायमंड लगेगा नेम चेंज करने का। ठीक है, तो अगर आपके पास नेम चेंज कार्ड हो तभी आप लोग चेंज करना, नहीं तो गाइस आपको यहाँ पर बिना मतलब में डायमंड वेस्ट हो जाएंगे। एंड हाँ, यहाँ पे जो मेरे में रेड कलर का लिखा हुआ है तो वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पीसी के लोगों को लगा रखा है, एंड मैं दोबारा से मतलब इसी नेम को नहीं लिख सकता। ठीक है, एंड अभी आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे डबल पीसी का लोगो लगा दिया, तो यहाँ पर जो मेरा नेम है उसको लिखने के लिए ऑप्शन आ गया। अब मैं यहाँ से अगर इसको कन्फर्म करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरा नेम रहेगा उसके साथ में दो दो पीसी के लोगो बन जाएंगे। तो आप लोग इसी तरह से अपने नेम के साथ में पीसी का लोगो लगा सकते हो। एंड हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो मेरे पास ये पीसी का लोगो बना हुआ है तो भाई ये फोन में नहीं बनने वाला। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर ये जो पीसी का लोगो बना हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ जो पीसी में खेलते हैं उनके साथ बनता है, या जो लैपटॉप में खेलते हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड हाँ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अब बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज गाइस आपका भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता है। मैं मिलता हूँ आप अभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।